जी, तो कल हम लोगों ने स्टेप फोर को और डिस्कस किया था अभ्यास एक में। अभ्यास एक में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और इसको बृहत रूप में देखें तो चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने और जानने का अभ्यास कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने ऐसे की कि हमने अपनी कल्पनाशीलता की ओर ध्यान दिया और इस बात के प्रति सजग होने का अभ्यास किया कि हमारे अंदर भी क्या भाव चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, क्या आशा बनी हुई है। और उसमें भी अपने को दिखता है कि भाव से ही विचार ट्रिगर होता है और फिर विचार से आशा ट्रिगर होती है। तो भाव के प्रति सजग होना मुख्य मुद्दा है। तो भाव को हम लोगों ने और बारीकी से देखने का अभ्यास किया और इस अभ्यास को अपने आप में बनाए रखना है। बट इसमें हमने कोई मूल्यांकन नहीं किया। स्टेप वन में जैसा है वैसा उसको ऑब्जर्व किया, बिना कोई प्रतिक्रिया किए, बिना मूल्यांकन किए, बिना बदले, बिना कुछ आरोपित किए। स्टेप टू में हमने फिर इसका मूल्यांकन किया और देखा कि जो भी मेरे अंदर भाव बना हुआ है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, या यूं कहें कि इसकी मैं निरंतरता चाहता हूं कि नहीं। तो पहले स्टेप में भाव के सजग होने का अभ्यास किया। आप पाएंगे अपने अभ्यास के क्रम में कि स्टेप वन पे हमको समय लगता है। हम सभी का विचार के प्रति सजग होने का तो अभ्यास है, कई बार हम हो भी जाते हैं परंतु भाव को कई बार नहीं देख पाते, और जब देखने भी जाते हैं तो अस्पष्ट सा लगता है। तो उसको अपने को बारीकी से करते रहना है ना, क्योंकि भाव में ही परिमार्जन से ज्ञान की शुरुआत है। तो यदि भाव के प्रति हम सजग नहीं हो पाते हैं तो परिमार्जन की संभावना नहीं बनती। तो स्टेप वन में हमने सजग होने का प्रयास किया, स्टेप टू में मूल्यांकन किया, स्टेप थ्री में उसके साथ हमने अपनी स्थिति को देखा। इस भाव के साथ मेरी स्थिति कैसी है, सुखद है या दुखद है? इस भाव के साथ मेरी स्थिति कैसी है, सुखद है या दुखद है? मैं आराम में हूं या परेशान हूँ? स्टेप फोर में फिर हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जो भी मेरे अंदर भाव बना हुआ है उसका निर्णय कौन लेता है, मैं स्वयं लेता हूँ या बाहर की कोई परिस्थिति या कोई अन्य व्यक्ति? तो थोड़ा विश्लेषण करके, थोड़ी जांच परख करके दिख जाता है कि भाव का निर्णय तो मेरा ही है। उसी परिस्थिति में अगर मेरे अंदर एक तरह की स्थिति होती है तो एक तरह का भाव बनता है, दूसरे तरह की स्थिति होती है दूसरे तरह का भाव बनता है। तो मैं अपने भाव के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। वैसे ही कोई दूसरे व्यक्ति का व्यवहार हो, है ना, अल्टीमेटली मेरे भाव का निर्णय मेरा स्वयं ही रहता है। उसी व्यवहार के साथ कभी मैं विरोध में आ जाता हूँ, उसी व्यवहार के साथ कभी मैं आराम में रहता हूँ कि नहीं, उसी व्यवहार के साथ कभी मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो अल्टीमेटली भाव का निर्णय मेरा है। ये बात जब मैं देखता हूँ तो इससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो मेरे सुख दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुझे अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए काम करना है ना। मेरे सुख दुख के लिए बाहर की परिस्थितियां या कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो इससे हमारे अंदर एक जिम्मेदारी का भाव आता है। इस जिम्मेदारी के भाव के साथ जितना हम सघनता के साथ बारीकी से काम करते हैं हमारा स्वयं में विश्वास भी बनता जाता है। तो एक तो बात ये, दूसरी बात की ये जो हम बहुत सारे शिकायत बनाए रखते हैं अपने अंदर दूसरों के प्रति, है ना, जैसे आप अपने साथ बैठिए, अन्य कोई स्रोत हटा दीजिए सूचना का, ना मोबाइल हो, ना टीवी हो, ना मैगजीन हो, ना कोई अन्य व्यक्ति हो, अपनी कल्पनाशीलता को देखना शुरू करिए तो आप पाएंगे कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है अपनी कल्पना में, और फिर आप उसके साथ गुत्थम गुत्थी शुरू हो जाती है ना, उलझन शुरू हो जाती है, तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। और आप पाएंगे कई बार हम ये मान लेते हैं कि वो जो घटना हुई उसमें मैं जो दुखी हुआ उसके लिए यही व्यक्ति जिम्मेदार है, और बार बार वो घटना भी स्मरण में लौट के आता है, बार बार वो व्यक्ति भी आता है, और हम फिर अपने आप में शिकायत से भरे रह जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी व्यवहार हुआ, अब आगे से कभी भी ऐसा होता है कोई अन्य व्यक्ति कल्पना में आता है तो हम उसके व्यवहार को भी देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि मैं उस व्यक्ति के व्यवहार से कैसे प्रभावित हुआ। अल्टीमेटली भाव का निर्णय तो मेरा था कि नहीं। तो हम किसी व्यक्ति के कल्पना में आने को रोकेंगे नहीं, है ना, उसको जैसा वैसा नहीं देंगे, बट ये सजगता बना लेंगे अपने अंदर कि निर्णय तो मेरा था, उसी व्यवहार से मैं दुखी भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था कि नहीं, उसी परिस्थिति में दुखी भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। ये जब देखेंगे तो हम उस शिकायत से मुक्त होते जाते हैं और स्वयं में जिम्मेदारी का भाव बढ़ता जाता है। तो ये करने योग्य काम है,
इसको हम जितना बारीकी से करेंगे। तो कल हम लोगों ने इसी के लिए असाइनमेंट लिया था 24 घंटे इसमें सजग रहने का। इस पे किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, कोई शंका हो, तो इस पे चर्चा कर सकते हैं। मैं अभी सारे हैंड लोअर करता हूँ। कल के असाइनमेंट को लेकर कल एक और बात हुई थी कि जितने भी ऐसे साथी हैं, संगी हैं, जिनको लेकर अपने अंदर कोई शिकायत का भाव बना हुआ है, उनकी एक सूची बना लेनी है कि नहीं, और फिर उसको देखना है कि मामला क्या है। उस व्यक्ति के व्यवहार कारण मैं दुखी हुआ या मैं अपनी ही किसी अयोग्यता कारण दुखी हुआ, व्यक्ति का व्यवहार तो जैसा था वैसा था। तो भैया कल के ऑब्जर्वेशन में जो मुझे भाव बिगाड़ने वाली व्यक्ति जो मालूम हुई, थोड़ी सी मतलब हंसने लायक ही बात है, लेकिन सबसे पहला नाम तो जैसे अपने स्पाउस है, मेरे मिसेस है, उसी के द्वारा ऐसा लगता है कि इतना सब समझाने के बाद भी कुछ कुछ बातें वो समझ नहीं पाती। और मैं अपने दिल को ये समझाता हूँ कि वो भी मतलब अपने भले के लिए कर रहे, जो भी करती है, तो ये भाव हमारा कब बदलेगा? मतलब आपने जो बोला ना कि आपने को कोई नियर डियर है या कोई सी व्यक्ति के कारण, तो कल मैंने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया 24 घंटे में कि अपना भाव कभी कभी मतलब हम जो भी करते हैं वो उनको पसंद नहीं आता, तो उसके कारण हमको थोड़ा सा, हम बहुत कोशिश भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा दुख होने लगता है कि अब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना सोसाइटी में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने घर वालों को कब सुधारेंगे? थोड़ा सा भैया इसके ऊपर थोड़ा हो जाए प्लीज, धन्यवाद। जी। तो देखिए, स्पाउस का जो व्यवहार है, जो जीना है, वो एक तरफ, बट उसके कारण यदि हमारा भाव बिगड़ रहा है तो फिर हमारी ही अयोग्यता है। स्टेप 5 में हम देखेंगे इसको और बारीकी से। तो अगर मेरा भाव बिगड़ रहा है तो मेरी ही समझ की कमी है जी भैया, ना। तो उसको दो भाग में लेके चलेंगे। एक तो अगले व्यक्ति में परिमार्जन होना है, वो तो बात ठीक है, जी बट भैया, यदि जब तक परिमार्जन नहीं हो जाता मैं उससे दुखी परेशान हो रहा हूँ, यानी मुझे स्वयं में भी परिमार्जन करना है, मुझे अपने ऊपर भी काम करना है। जी भैया बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि मेरे में भी योग्यता की कमी है और वो व्यक्ति भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनको जी ऐसा लगता भैया होगा कि ये तो देखो, ये तो इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, UHV का सेशन भी अटेंड करते हैं, इनमें परिवर्तन कब होगा, है हाँ, ये ना। जी भैया, मुझे ये लग रहा है कि 35 साल में शादी को हो रहे हैं, हम साथ में हैं सभी है, तो जी फिर मैं अपने मतलब स्पाउस में परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं फिर दुनिया में परिवर्तन कैसे कर पाऊँ? थोड़ा वही सा स्पाउस कह भैया, रहे हैं कि देखो, ये इतने साल से लगे हुए हैं, है ना, ये अपने में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, तो हम में क्या करेंगे, समाज में क्या करेंगे। जी भैया बहुत बहुत सही। मतलब मुझे जो आपने बोला था ना 24 घंटे में, और ये ऐसा बार बार आता है, फिर भी हम अपने दिल को समझाते हैं कि नहीं भैया ये तो चलने वाला ही, ऐसा ही रहेगा, तो लेकिन मैं दुखी नहीं होता। लेकिन जो आपने बताया ना कि किन व्यक्ति के कारण, तो इसलिए मुझे पहला नाम, हो सकता है मैं उसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसके लिए उसका ही पहला नाम आ जाता है। जी भैया नमस्ते, ओके थैंक यू। जी, इसको थोड़ा और बारीकी से ऑब्जर्व करें, है ना। सर, जब प्रश्न तो नहीं है सर, मैं ये मेरी जो समझ है। रुकिए रुकिए, शेयरिंग बाद में करेंगे, यदि कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो रखिए। हाँ, सर, कल काफी का कुछ जो कल के ऊपर जो मेरे पे आया, तो जी जो काम जिस काम के लिए मैं पहले बहुत मेरे कंट्राडिक्शन चल रही थी, तो उस काम के लिए मैंने जब अपनी भागीदारी समझी, उस समझ से मैंने काम करा, तो मेरी सारी कंट्राडिक्शन में ना चेंज आ गया, भाव बिल्कुल बदल गया और मेरे खुद में भी रिलैक्स आया। पार्टिसिपेशन, जब मैंने सोचा कि ये काम में ऑफिस में भागीदारी मेरी बनती है, तब मेरे में बिल्कुल कोई भी कंट्राडिक्शन है। वही काम के लिए जब पहले मैं उसके अगेंस्ट थी, और जब मेरा भाव पार्टिसिपेशन में गया, भागीदारी में, तो बिल्कुल चेंज हो गया। तो स्टेप 4 में हमने देखा कि अपने भाव का निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ, मैं ही अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ। तो अब ये देखना बनता है कि इस निर्णय का आधार क्या है। यदि मेरा भाव बिगड़ रहा है, यानी मैं गलत निर्णय ले रहा हूँ, ऐसा क्यों हो जा रहा है, तो मैं इस निर्णय के आधार को देखने जाता हूँ। तो हमने स्टेप 4 में देखा कि इस क्षण मुझ में जो भाव है उसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस भाव का निर्णय मैं किस आधार पर लेता है, मैं किस आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ, सही समझ या मान्यता, सही समझ के अभाव में। जब मैं सही समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ, तब मैं वैसे भाव विचार का निर्णय लेता हूँ जो मुझे
सहज रूप से स्वीकार होते हैं, जिससे मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। जब मैं किसी मान्यता के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ, तब यह निश्चित नहीं रहता कि मैं किस भाव के पक्ष में निर्णय लूंगा। जो भाव मुझे सहज स्वीकार होते हैं, जिनके पक्ष में, उनके पक्ष में या किसी और भाव के पक्ष में, फिर मेरी स्थिति क्या होगी, इसकी निश्चितता नहीं होती। मैं आराम में रहूंगा या परेशान हो जाऊंगा, संगीत में रहूंगा या अंतर्द्वंद में जाऊंगा, सुखी रहूंगा या दुखी हो जाऊंगा, इसकी निश्चितता नहीं होती। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं में सही समझ का होना और उस समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय कर पाना आवश्यक है, चाहे बाहर की परिस्थिति अनुकूल हो या न हो। तो ये अब देखना बनता है। मोटा मोटी देखे तो हम लोग ये बात अपने आप में तय कर पाते हैं, हाँ सही समझ की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है। परंतु इसको भाव के स्तर पर जाकर प्लेस कर पाना, एक तो भाव को सजग हो पाना, उसकी जिम्मेदारी स्वीकार पाना और फिर उसके आधार को देख पाना, तो यहाँ पे काम अपने को और बारीकी से करना बनता है। ओवरऑल तो हम कह पाते हैं कि हाँ मुझमें सही समझ की आवश्यकता है, मुझे समझने की आवश्यकता है। परंतु क्षण क्षण में हम अपने भाव के स्तर पर देख पाए कि देखो ये भाव बिगड़ा, यानी मेरे में समझ की कमी है ना। और इस समझ की कमी कहना भी पर्याप्त नहीं है, वहां क्या मान्यता है जो काम कर रही है उसको देख पाना। कौन सी ऐसी मान्यता है जिसके आधार पर ये भाव बिगड़ा? जैसे एक मान्यता ये हो सकती है कि अगर हमने किसी से कोई बात कही है तो अगले को मानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, उसके अनुसार करना चाहिए, और नहीं कर रहा तो हमने ये माना हुआ है कि जो मैं कह रहा हूँ दूसरे को करना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब मैंने ये भी माना कि जो भी मैं कहता हूँ सही कहता हूँ, तभी तो दूसरे को करना चाहिए। अब ये गहरी मान्यता है। आप ऐसे अगर देखने जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं निकलेंगी और ये सब हमारे गहरे गहरे संस्कार होते हैं। तो भाव के आधार में हमारा संस्कार होता है, वो संस्कार सही समझ आधारित भी हो सकता है, मान्यता आधारित भी हो सकता है। परंतु इस क्रम में जहां हम अपनी समझ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो अपने संस्कारों को देख पाना अति आवश्यक है, मान्यताओं को देख पाना अति आवश्यक है। तो अब आगे करने का काम ये है, एक बार ये हमारे अंदर स्वीकृति बन गई कि मैं ही अपने भाव के लिए जिम्मेदार हूँ, उन संस्कारों को थोड़ा लोकेट करना है, उन मान्यताओं को लोकेट करना है ना, उन मान्यताओं को पहचानना है जिसके आधार पर ये गलत निर्णय हो रहे हैं, जिसके आधार पर भाव बिगड़ रहा है। एक सामान्य सी बात है ना कि अगर हमने कोई काम किया तो काम पूरा होना चाहिए, तो हम फल परिणाम के बारे में माने रहते हैं कि अगर हमने प्रयास किया तो फल परिणाम आना चाहिए, नहीं आया तो हमारा भाव बिगड़ता है। अब ये बहुत गहरी मान्यता है, इसको परंपरा में कई प्रकार इंगित किया गया है ना। तो जैसे अगर हम देखें तो गीता में भी कई बार बात कही जा रही है कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हम वहां पे मान लेते हैं कि फल तो इसके अनुरूप होना ही चाहिए। तो इसी को देखें तो कई प्रकार से हमको अपने जीने में बहुत सारी गहरी गहरी मान्यताएं दिखाई देंगी। एक उदाहरण मैंने लिया कि हम अगर हमने कोई काम किया है तो फल परिणाम तो उसके अनुरूप होना ही चाहिए, अगर हमने कोई बात कही है ना तो अगले को मानना ही चाहिए कि नहीं। वैसे ही अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं तो शरीर गया तो मैं गया, है ना। सुविधा को सुख मान के जी रहे हैं तो अनुकूल संवेदनाओं को पाने के लिए, सुविधाओं के द्वारा उस क्रम में सुखी होने के लिए बहुत सारा चीजें हम माने रहते हैं, उसके लिए काम करते रहते हैं। तो इन संस्कारों को देख पाना ये अपने अंदर करने योग्य काम है और ये थोड़ा सा और गहरा काम है, इसमें आपको और थोड़ा सा मशक्कत करनी होगी, समय लगाना होगा। कई बार हम अभी तो जैसे विचार को नहीं देख पाते, विचार को देखा, विचार के पीछे भाव को देखा, वो अपने आप में थोड़ा सा एक काम था। अब भाव के पीछे संस्कार को देखना है। तो ये स्टेप भले ही हम लोग एक दो दिनों की चर्चा में पूरा कर लेंगे, इससे आगे चलेंगे, परंतु इसे आप एक प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं कि अब ये काम मुझे करना है। तो हमेशा कई साथियों को विचार को देखने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी। हमेशा कई साथी विचार को तो देख पा रहे होंगे, भाव के लिए अभी मेहनत करनी पड़ रही होगी। अब भाव के पीछे संस्कार को देखना है, मान्यताओं को देखना है कि नहीं। तो ये हम देख सकते हैं कि जब मैं किसी मान्यता के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ तब ये निश्चित नहीं रहता कि मैं किस भाव के पक्ष में निर्णय लूंगा,
जो सह स्वीकार भाव है वो या किसी अन्य भाव के पक्ष में कि नहीं। तो भाव का ही अगर पता नहीं है तो उसको पहले पता करेंगे, फिर भाव के पीछे जो संस्कार है, जो मान्यता है, उसको पता करेंगे। तो अपने आप में शोध करने का काम है, अपने आप में देखते हुए आगे बढ़ने का काम। भैया मैं ऑब्जर्व कर रही थी ये जो गृह कार्य है और थोड़ा अच्छी तरह से, तो मेरा क्या हो रहा है ना कि जैसे ही वो पर्सन आता है इमिडिएटली जो इंसिडेंसेस बैक में हुए हैं वो रिकॉल होते हैं और मैं ऐसे रेडी रहती हूँ शायद वो अभी ऐसे ही बात करेगा या बिहेव करेगा, तो वो एक आता है और फिर मैं विरोध के भाव में चली जाती हूँ। तो ये तो संस्कार नहीं है, बस मैं वो बिहेवियर से जो पास में घटी घटनाओं की वजह से मैं विरोध में जा रही हूँ, ऐसे समझ सकते हैं इसको? घटनाओं से विरोध में नहीं जा रहे हैं, उन घटनाओं के साथ जो हमने मान्यता जोड़ी हुई है उसके कारण विरोध में जा रहे हैं। भाव बिगड़ रहा है वो मेरा निर्णय है और उस निर्णय के आधार में कोई मान्यता काम कर रही है, इसलिए मेरा भाव बिगड़ रहा है और वो भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार नहीं है। तो कोई भी घटना हो ना, उस घटना में भी हम अगले के व्यवहार को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्य को देख रहे हैं, एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, हो सकता है उसके हम उसके भी विचार और उसके भी संस्कारों को भी समझ पा रहे हैं, बट हम उसकी चाहना को नहीं देख पा रहे। तो जैसे हमको दिख रहा है ना, ये स्टेप फाइव में जो बात हो रही है कि गहरी गहरी मान्यताएं हो सकती हैं, गहरे संस्कार हो सकते हैं। अभी तो हम अपने खुदाई कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो इतना हम कम से कम उसके प्रति गंभीर होकर देखने काम कर रहे हैं। अगला व्यक्ति बेहोशी में जी रहा है, उसको उसके संस्कारों का ही पता नहीं है, तो कहां से इसको देख पाएगा, कहां से इसमें परिमार्जन कर पाएगा? जी। भैया मैं और एक बात समझने की कोशिश कर रही थी। देखिए जैसे अगर मैं मेरे पास्ट में जाऊं 10-20 साल पहले, तो ये जो मेरी स्थिति है वैसे तो नहीं थी उस टाइम पे, इतना जो विरोध का भाव या इरिटेशन इतना तो नहीं था, बट जो मतलब फिर अभी इस मतलब अभी है वो, तो इसको मैं कैसे समझूं? मान्यताएं बढ़ गई और जो सही नहीं थी इस वजह से ये स्थिति बनी है, ऐसे कहें? देखिए क्या होता है कि परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो हम अपनी मान्यताओं का पता नहीं चलता, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो पता चलता है। जैसे बताते हैं ना कि एक जहाज जो है वो पानी पे से जा रहा है, पानी पर्याप्त है तो जहाज सेल कर जा रहा है, पानी घट जाए तो नीचे का जो चट्टान है उससे उसका जहाज का निचला हिस्सा टकराने लगता है। तो चट्टान तो पहले भी थे, पानी पर्याप्त था तो जहाज ऊपर से निकल जा रहा था, अब जब पानी कम हो गया तो चट्टान से टकराने लगा। तो ये सब गहरे गहरे संस्कार हमारे अंदर पहले से ही थे, परंतु परिस्थितियां अनुकूल थी तो हमको पता नहीं चल रहा था ना, लाइफ बढ़िया कंफर्टेबली चल रही थी। अब परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो जाती हैं, अनुकूलताएं कम हो जाती हैं, तो हमको अपने संस्कारों का पता लगने लगता है, तो ऐसा होता है। तो परिस्थितियों का तो एक तरह से उपकार है कि हमको हमारे संस्कारों से परिचय कराते हैं। ये संस्कार हमारे अंदर बहुत पहले से बने हुए हैं, मान्यता है, जैसे मैं शरीर हूँ, सुविधाएं सुख है, फॉर एग्जाम्पल सुविधाएं ही सुख है ना, संबंध तो कुछ लोगों के साथ ही होता है, सबके साथ तो हो नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक, पूरी प्रकृति जड़ है। तो इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हमारे अंदर हो सकती हैं, बट यदि हम किसी के संरक्षण में चल रहे हैं, कोई हमारे शरीर का ध्यान रख ले रहा है, ठीक, किसी से हमको अनुकूल भाव मिल जा रहा है, तो हम इस पर क्यों ध्यान दें, हमारा काम आसानी से चल रहा होता है। बट जब अपने ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, परिवार की जिम्मेदारी आती है, कोई संस्था की जिम्मेदारी आती है, समाज की जिम्मेदारी आती है, तो फिर हमें अपने अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो अभी तो हम बहुत लिमिटेड भागीदारी कर रहे हैं। अभी आप सोचिए कि अगर हम समाज की अखंडता की जिम्मेदारी लें कि समाज में अखंडता सुनिश्चित होनी है, तो सोचिए हमारे ऊपर कितना सारा दबाव बनेगा, है ना, परिस्थितियों का, अन्य व्यक्तियों का, और यदि हम संवैधानिक नहीं हुए तो हम कितने दुखी परेशान होंगे, फिर हम कहते भैया ऐसे ही ठीक चल रहा था, कहाँ फंस गए कि नहीं। बट जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारी तो मानवीय परंपरा तक है। तो अभी तो क्या हुआ, हम एक इंडिविजुअल के रूप में जी रहे हैं, है ना,
जैसे अभी बच्चों के साथ देखें तो ऐसा होता है कि भाई एक इंडिविजुअल लाइफ जीने में लगे हुए हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, इंजॉय कर रहे हैं, भोग रहे हैं, ठीक लगता है, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, परिवार बन गया। अब ये कुछ लोगों की जिम्मेदारी आ गई, अब उनके साथ विचार मिले चाहे ना मिले साथ में रहना है, रोज खटपट हो रहा है, तो लगता है आप कहाँ फंस गए। तो पहले क्या था, मनमानी के साथ जी रहे थे, अब जब जिम्मेदारियां आई है ना तो एक बाधा लगने लगी, दबाव लगने लगा, तो हमारे जो संस्कार बन गए मनमानी वाले, अब उन पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, ये अगला व्यक्ति कौन है जो तय करेगा कि मुझे कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, अब हमारे अंदर विरोध शुरू हुआ। ठीक, अब ये तो तब है जब एक छोटे से परिवार में रह रहे हैं, दो लोग तीन लोग रह रहे हैं, अब सोचे कि हम परिवार के साथ अगर कुनबे को देखें, परिवार समूह में चले जाए और 10 तरह के दबाव बनेंगे, तो ये जो हमारा एक संस्कार बन गया मनमानी के साथ जीने का, उससे प्रश्न खड़े होने शुरू होते हैं, उससे परेशान होते हैं, फिर इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, है ना, प्रश्न खड़े होते हैं, तो फिर हम उससे परेशान होते हैं। अब सोचिए कि कोई अगर अपनी जिम्मेदारी और बढ़ा ले, भाई मुझे तो समाज में व्यवस्था के लिए काम करना है, उसमें भागीदारी करनी है, तो फिर तो एक एक व्यक्ति की योग्यता को विकसित करने की जिम्मेदारी है। तो हम जितनी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने जाते हैं, उतने ज्यादा हमको अपने गहरे गहरे संस्कारों का एक्सपोजर मिलता है, इसलिए भागीदारी की अनिवार्यता है ना, नहीं तो फिर वो हम बेहोशी में जी रहे होते हैं, उस लिमिटेड डोमेन में जी रहे होते हैं, और हमारी मान्यताएं यथावत बनी रहती हैं, वही है कि शिप सेल कर रहा है बट नीचे चट्टान बने हुए पता चल नहीं रहा, बट जब हम जिम्मेदारी बढ़ा लेते हैं तो फिर हमको पता लगता है कि ये सब गहरे गहरे संस्कार बने हुए हैं। जैसे यही सब बातें हैं कि मैं क्यों जी रहा हूँ, लोगों को स्पष्ट नहीं है, अनुकूलता बनी हुई है, हम जिए जा रहे हैं, बट कई ऐसे अवसर आते हैं जिसपे प्रश्न होता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, है ना, जैसे परिवार में प्रश्न उठता है कई बार कि अल्टीमेटली परिवार में व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, अकेले मेरी है क्या, आपकी है क्या, इनकी है क्या, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न अपने अंदर तैयार होते हैं जो पहले नहीं तैयार हो रहे थे कि नहीं। जी हाँ भैया, और मैं इसको और समझने की कोशिश कर रही थी, जैसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो क्या है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स के घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहती है, तो देखिए कोई भी छोटा बच्चा, उसको अगर मतलब बिहेवियर घर में अगर वातावरण ठीक से ना मिले, बार बार कोई डांट लगा रहा है या इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, उस वजह से फिर वो एक काफी डिस्टर्ब रहते हैं, विरोध के भाव में रहते हैं, तो इतनी छोटी उम्र में उनकी तो कुछ गलती नहीं है ना भैया, वो तो डेवलप हो रहे हैं और ऐसे एनवायरनमेंट मिल रहा है, इस वजह से उनके संस्कार बन गए, तो इसको उनकी तो गलती नहीं है ना इसमें। हाँ, अभी देखिए वो जो स्टेज है बच्चे का, तो उसको तो जो गाइडेंस मिलना चाहिए था नहीं मिला, है ना, तो गलती तो नहीं है, परंतु जो शिक्षा का सहयोग मिलता, जो वातावरण का सहयोग मिलता, जो परिवार का सहयोग मिलता, वो नहीं मिल पा रहा, तो गलत संस्कार बन रहे हैं, है ना, ये तो हो रहा है, तो अब इसमें हम उसकी गलती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे अपेक्षित भी नहीं कि इस उम्र में सारी चीजों का मूल्यांकन कर ले, अब उसके लिए हम समाधान के लिए काम करेंगे, तभी तो शिक्षा की बात हो रही है कि अगर परिवार में सही संस्कार ना मिले, सही व्यवहार ना मिले, है ना, सही बातें सामने न रखी जाए, वातावरण भी वैसे ही हो, वहां भी सही जीना ना हो लोगों को, कम से कम शिक्षा में तो हम ठीक से काम करें, तो शिक्षा से सही प्रस्ताव तो कम से कम बच्चे तक पहुंचे, तो जो अनुसरण अनुकरण वाली बात होती है ना, तो बच्चा तो अनुसरण अनुकरण से चल रहा है, उसमें गलत व्यवहार सामने आ रहा है, वो भी दुखी परेशान हो रहा है, जिसका व्यवहार कर रहा है वो भी दुखी परेशान हो रहा है, बट एक दुख पूर्वक जीने का संस्कार बन रहा है। तो लगभग हर घर में देखें, मतलब इन जनरल अगर समझ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये सब चल ही रहा है, संग्रह के भाव तैयार किए जा रहे हैं, शोषण का भाव तैयार किया जा रहा है कि नहीं, अन्यायपूर्वक जीने की प्रवृत्ति बन रही है, ये तो है। अब गलती तो एक अल्टीमेटली इंटेंशनली एवरीबॉडी इज प्योर, ठीक है ना, बट गलती सभी कर रहे हैं, पोटेंशियल सब में है समझने का, बट समझने के लिए काम कुछ ही लोग कर रहे हैं, ये तो है स्थिति। भैया एक थोड़ा सा डाउट था कि कुछ मान्यताओं पे हमारी सह स्वीकृति हो सकती है, जैसे कि अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं, तो बहुत तो सह स्वीकृति हमारी सही है, कुछ मान्यताओं को हम जब जांचते हैं तो उनमें सह स्वीकृति नहीं होती है। जी भाई, हाँ, तो ऐसी कुछ मान्यता अगर सही भी है ना, बट है तो मान्यताओं के स्तर पर, तो कल को बदल सकती है। जी जी
जैसे हम बच्चों को अभ्यास कराते हैं, सुबह उठना है, सुबह फ्रेश होना है, फिर ये करना है, नहा कर ही खाना पीना करना है, जो भी हम अभ्यास हमने करा दिया, उसकी मान्यता ही बन गई। जब तक घर में रहा ठीक ठाक चलता रहा, हॉस्टल गया सब उल्टा हो गया। तो मान्यता हमारी अगर सही भी हो, परंतु यदि मान्यता के स्तर पर है, ज्ञान के आधार पर नहीं है, तो उसमें ना तो निश्चितता है, ना निरंतरता है, ना सार्वभौमिकता है। तो इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, ये एक और गहरा काम है, अपनी मान्यताओं के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति सजग होना। तो विचार से भाव तक पहुंचे, भाव के आधार को देख रहे हैं ना, जहाँ हमारी मान्यताएं काम कर रही है, संस्कार काम कर रहा है जी, तो इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा किसी दूसरे के प्रति जो भाव रहता है उसके बारे में सोचें। उदाहरण के रूप में, यदि मुझ में मानव मानव संबंध की सही समझ है, यदि मानव को समझा है, मैंने अपने भाव को, मैंने अपने आप को एक मानव के रूप में समझा है, दूसरे को भी मानव के रूप में समझा है, तो मुझ में हर व्यक्ति के लिए संबंध का भाव बना रहता है। यही भाव मुझे सहज स्वीकार होता है और इस भाव के साथ मैं संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। जब मैं सही समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ, तब मैं वैसे भाव विचार का निर्णय लेता हूँ जो मुझे सहज स्वीकार होते हैं, जिनसे मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। तो यदि सही समझ होती है तो उसके आधार पर सही भाव बनते हैं, सही विचार चलते हैं, उससे मेरा व्यवहार भी सही रहता है, कार्य भी सही रहता है, भागीदारी भी सही रहती है। जैसे संबंध की समझ है, और समझना मतलब मानना नहीं, समझना। एक बार हमने समझ लिया फिर उसको लेकर कोई शंका नहीं हो सकती। कि इस पे भी थोड़ा सा एक ध्यान देने की बात है कि कई बार हम किसी बात को बार बार सुनते हुए, बोलते हुए, विचार करते हुए मान लेते हैं कि हमने समझ लिया। तो जैसे मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, कई बार वर्कशॉप अटेंड करते हुए, शेयर करते हुए, डिस्कस करते हुए हमें ऐसा लगने लगता है हमने समझ लिया कि मानव मैं और शरीर का अस्तित्व है, बट नहीं समझा। सूचना रूप में है, विचार के स्तर पर है। इसलिए जब कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहां उसमें प्रश्न चिन्ह उठता है, तो मैं की कॉन्टिन्यूटी का ध्यान नहीं रहता फिर, है ना, फिर तो हम अपने आप को टेम्पररी मानकर ही निर्णय लेने लगते हैं। तो समझा नहीं है, तो इसमें भी हम बहुत हड़बड़ी ना करें कि हमने समझ लिया है, है ना, ऐसा हो सकता कोई अभी निश्चित नहीं है जी। तो वैसे हमने संबंध को समझ लिया है ऐसा निश्चित नहीं है, व्यवस्था को समझ लिया है ऐसा निश्चित नहीं है, तो इसको ओपन रखना है, समझने में समय भी लग सकता है। यदि मुझ में मानव मानव संबंध के बारे में सही समझ नहीं है, यदि मैंने अपने आप को मानव के रूप में नहीं समझा है, दूसरे को भी मानव के रूप में नहीं समझा है, तो मैं अपने बारे में और दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ मान्यता बना लेता हूँ और मेरे भाव जो हैं इन्हीं मान्यताओं पर निर्भर करते हैं। मैं यदि मानता हूँ कि मानव का मूल्यांकन उसके संप्रदाय या वर्ग के आधार पर करना है, तो मुझ में अपने संप्रदाय या वर्ग के लोग के प्रति एक तरह का भाव रहता है, यानी संबंध का भाव रहता है, एक सहज भाव जिससे मैं सुखी रहता हूँ, और दूसरे संप्रदाय के और वर्ग के लोगों के प्रति विरोध का भाव रहता है, कोई असहज भाव रहता है जिससे मैं दुखी रहता हूँ। तो जब मैं अपने भाव विचार का निर्णय अपने मान्यता के आधार पर करता हूँ, तो यह निश्चित नहीं हो पाता कि मैं किस भाव के पक्ष में निर्णय करूंगा, वैसा भाव जो मुझे सहज स्वीकार है या अन्यथा। फिर मेरी स्थिति क्या होगी, इसकी निश्चितता भी नहीं होती। मैं आराम में रहूंगा या परेशान होऊंगा, इसकी निश्चितता नहीं होती। संगीत में रहूंगा या अंतर्द्वंद में जाऊंगा, सुखी रहूंगा या दुखी रहूंगा, ये सब अनिश्चित बना रहता है। तो यदि समझ आधार में है तब तो भाव की निश्चितता है, है ना, मेरे आचरण की निश्चितता है। अगर समझ आधार में नहीं है, कोई मान्यता काम कर रही है, और एक नहीं है ना, कई मान्यताएं हो सकती हैं, तो इसको आज हम लोग असाइनमेंट के रूप में ये भी लेंगे कि अपनी मान्यताओं को थोड़ा टटोल के देखना है, क्या क्या मान्यताएं हैं जो काम कर रही है। तो हमको देखना है कि कब कब हमारा भाव बिगड़ा और वहाँ क्या मान्यता काम कर रही है। जैसे कल हम लोगों ने एक सूची बनाई थी ना, कि ऐसे लोग जिनके प्रति शिकायत का भाव रहता है उनकी सूची बनानी थी। तो मैं चैट बॉक्स में पूछ लेता हूँ, हमें से कितने लोगों ने सूची बनाई वो जिनके प्रति हमारे अंदर शिकायत का भाव रहता है। यदि हम देख पाए एक भी करती नहीं तो भी अच्छी बात है, परंतु यदि एक के प्रति भी है तो उसको हम अगर सूचीबद्ध कर लें, कम से कम लिख लें, तो हमारे लिए तो एक अच्छा है ना काम हो जाएगा। तो हम फिर उस पर ठीक से काम करेंगे। बढ़िया, हमें से कई साथियों ने बनाई है सूची, बहुत अच्छा। वैसे आज हमको अपनी मान्यताओं की सूची बनानी है, देखना है ना। और मान्यताएं अगर हम जो वर्कशॉप के कंटेंट से जोड़कर देखें तब तो कह सकते हैं, हाँ भाई मैंने मानव शरीर माना हुआ है क्या, या क्या माना हुआ है लिख सकते हैं, सुविधा को सुख माना हुआ, ये तो एक मोटा मोटी हुए, इसकी एक सूची तो बन ही जाएगी।
बट एट अ पर्सनल लेवल हमको देखना है, और इसमें आप पाएंगे थोड़ा समय लगेगा, फिर भी अगर एक भी संस्कार को हम ठीक से ऑब्जर्व कर पाए अपने अंदर, है ना, एक दिन में, तो बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि की बात है। तो गहरे गहरे संस्कार, जैसे उदाहरण मैंने लिया था कि यदि मैं कोई बात कह रहा हूँ तो अगले को मानना ही चाहिए, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरी पहचान उससे बननी चाहिए, ये चाहिए में बहुत सारी चीजें हम जोड़े रहते हैं, है ना। और आप पाएंगे कि हमारे अंदर कल्पना चल रही है, ठीक, तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमने कोई अच्छी काम अच्छी बात की या फिर हमने कोई अच्छा काम किया, अब उसके आधार पर मुझे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। अब एक मान्यता है वो नहीं मिल रही, तो जिस व्यक्ति के कारण नहीं मिल रही अब उसके प्रति विरोध का भाव बन रहा है कि नहीं, किसी प्रोजेक्ट में हम लगे हैं, हमने अपना पूरा एफर्ट डाला, ठीक, बट वो असफल हो गया, हमसे दुखी हो गए, तो हमने मान लिया था कि मेरे प्रयास से तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ही चाहिए, मेरे क्लास, है ना, कंडक्ट कर लेने से बच्चों को कोर्स समझ में आ ही जाना चाहिए। तो ये जो बहुत सारी मान्यताएं हम बना लेते हैं अपने अंदर, उनको लिस्ट आउट करना है। तो इस पे भी आप पाएंगे कि, है ना, परंपरा में बहुत सारा काम हुआ है। तो जैसे विपश्यना की जो साधना है उसमें अपने संस्कारों को देखने का अभ्यास करते हैं कि नहीं, तो अपने गहरे गहरे संस्कारों को हम देख पाते हैं, उसकी अपनी एक विधि है। तो पूरी अगर हम मानव परंपरा में देखें तो लोगों ने इन संस्कारों पे परिमार्जन के लिए बहुत सारा अभ्यास किया है ना, बहुत सारे उसमें अपने गाइडेंस मिलता है। तो हमको ये काम अपने आप में गंभीरता पूर्वक करना है, जब अपने संस्कारों को लोकेट कर पाए, अपने मान्यताओं को लोकेट कर पाए, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं में सही समझ का होना और उस समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय कर पाना आवश्यक है। यदि मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मुझमें हमेशा सहज भाव ही होंगे, मैं हर क्षण संगीत में रहूंगा, सुखी रहूंगा, चाहे बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो। इसलिए सही समझ आवश्यक है उन सबके बारे में जिनसे मेरा संबंध है, जिनके साथ मैं जीता हूँ। मेरा संबंध संपूर्ण प्रकृति के साथ है, संपूर्ण अस्तित्व के साथ है, इसलिए मुझे संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण अस्तित्व को समझने की आवश्यकता है और यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि मनुष्य और मनुष्यतर प्रकृति के साथ जीने के संदर्भ में कौन से भाव सहज स्वीकार होते हैं। जी विशाल जी, सहज का मतलब नेचुरल। बढ़िया, विजय देशमुख भैया ने लिखा कि पहले विरोध आता था, फिर 6 माह से नहीं आ रहा, बहुत अच्छा। फियर एंड अजम्पशन में क्या अंतर है? तो अजम्पशन के कारण फियर तैयार होता है। जैसे अगर हम मान लें, हम अज्यूम कर लें कि ह्यूमन बींग इज मियरली दी बॉडी, तो उसको लेकर फियर बनेगा, भय होगा कि अगर बॉडी गया तो सब कुछ गया। वैसे अगर हम मान लें कि सुविधा से सम्मान मिलता है तो फियर रहेगा कि अगर सुविधा गई सम्मान गया। तो मान्यताओं से भय तैयार होते हैं। अभी 10 मिनट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्रोध नहीं आता या क्रोध नहीं करता? देखिए, अगर हमको दिखता है कि मेरे भाव का निर्णय मैं स्वयं करता हूँ, तब तो क्रोध नहीं आता कहना बनता नहीं है, है ना। क्रोध नहीं करता, क्रोध करता भी हूँ और क्रोध नहीं भी करता, दोनों में निर्णय मेरा है जी। तो क्रोध करने की सहज स्वीकृति तो नहीं है। क्रोध नहीं करने को भी अगर हम देखें तो भी अपने आप में अपूर्ण बात है। संबंध के भाव की सहज स्वीकृति है। संबंध का भाव हमको दिखता है तो क्रोध अपने आप नहीं करते, व्यवस्था समझ में आती है तो क्रोध अपने आप नहीं करते, उसका एक नेचुरल आउटकम है। फिर ये मेरा ऐसे होता है कि अगर कहीं फेलियर होता है किसी भी प्रसंग में जहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं अपनी गलती को ढूंढने लगती हूँ। तो ये क्या मेरे एक मान्यता है कि मैं दुखी भी होती हूँ कि ये ऐसे गलत हुआ, मैं जुड़ी हुई थी फिर भी ये गलत हुआ। मतलब ये ऐसा होता है कि अगर मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं से एसोसिएटेड हूँ, तो वहाँ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सब करेक्ट होना चाहिए। अगर हो जाता है तो मैं एक मान्यता है, ये भी एक मान्यता है। तो मेरी जिम्मेदारी मेरी भागीदारी तक है ना, बाकी जो फल परिणाम आएंगे उसमें तो कई इकाइयों की भागीदारी है, उसमें कई मनुष्य जुड़े हुए हैं, अन्य इकाइयां भी जुड़ी हुई हैं, बहुत ऐसा इकाइयां भी जुड़ी हुई हैं। तो ये तो एक जिम्मेदारी की बात है कि हम देखते हैं कि कार्यक्रम सफल हो, परंतु मेरी भागीदारी से कार्यक्रम सफल हो जाएगा ये मानना है, क्योंकि उसमें अन्य कई इकाइयों की भागीदारी है। तो एक छोर पे तो हम ये मानते हैं कि भाई, है ना, हमने अपना काम किया, बाकी हमको क्या लेना देना,
ये भी ठीक नहीं, यहाँ कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है। एक स्थान एक दूसरी मान्यता यह है कि कार्यक्रम पूरा सफल ही होना चाहिए, और नहीं हो रहा तो फिर हम दुखी परेशान हो रहे हैं। तो हम ये देख पाए कि कोई भी एक कार्यक्रम है ना, तो कार्यक्रम को पहले हम तो मूल्यांकन कर पाएंगे ठीक से, इसका लक्ष्य क्या है, ये मानव लक्ष्य के अनुरूप है कि नहीं, है ना। पता चला कार्यक्रम ही गलत है तो इसमें जो भी भागीदारी करेंगे कुछ ना कुछ उसमें दुख शामिल हो जाएगा। तो पहले कार्यक्रम को हम ठीक से मूल्यांकित करेंगे, ठीक से योजना बनाएंगे, क्रियान्वयन करेंगे, और अपनी भागीदारी को हम ठीक से पहचानेंगे, जिम्मेदारी के भाव के साथ करेंगे। बट हमको ये पता होता है कि फल परिणाम तो बहुत सारी कार्यों की भागीदारी से आता है, तो ज्यादा संभावना है कि यदि हम जिम्मेदारी पूर्वक काम करते हैं तो फल परिणाम ठीक ही आएंगे। बट नहीं भी आ रहे हैं तो हमको पहले से क्लियर रहता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे हम सुबह उठे, है ना, हम सुबह मोबाइल पर कनेक्ट किए बट नेटवर्क नहीं आ रहा है तो नहीं सुबह जुड़ सकते, तो हमने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी की। अब आज जब नेटवर्क नहीं आ रहा तो कल हमको पता है कि नेटवर्क नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है, तो हम उसके दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो आज भी हम दुखी नहीं होंगे अगर नेटवर्क नहीं आया, बट कल नेटवर्क आया, आज भी हम दिन में एक्सप्लोर करेंगे कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ नेटवर्क ठीक से आता है, ये जिम्मेदारी की बात हुई। ठीक है भैया, ठीक है जी, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ ये है, मतलब क्या कहेंगे, दुख जुड़ जाता है अगर सक्सेस नहीं होता है तो वो भी अगर हम हमारी जिम्मेदारी को फिक्स कर ले तो फिर वो भावना भी हमारी थोड़ी रेगुलेट हो जाएगी। बिल्कुल, अगर हम दुखी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत माना हुआ है। राइट, धन्यवाद जी, बढ़िया दी। एक तो हमने अधिमूल्यन कर लिया, एक संभावना है कि मैंने किया इसलिए काम सफल ही होगा, ये मेरा अधिमूल्यन है। काम असफल हो गया तो सब मेरी ही गलती है या अवमूल्यन है, जी। भैया मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम मतलब मान्यताएं हमको सही लगती है लेकिन फिर भी अगर हम दुखी हो रहे हैं तो भी मतलब इसको फिर से एनालाइज करने की जरूरत है क्योंकि शायद मान्यता ही सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे घर में कोई सदस्य है जो पानी का ज्यादा यूज करता है और ये हमको पता है कि पानी का ऑप्टिमाइज यूज करना चाहिए, ज्यादा भी नहीं और मतलब पॉसिबल है तो कम ही। अब उस इंसान को बहुत बार बताने के बावजूद वैसे ही करता है। अब ये मान्यता तो सही है कि पानी का जितना कम यूज हो सके करना चाहिए और सामने वाला वो सुनता नहीं है, समझाने के बाद भी समझता नहीं है, तो अब यहाँ तो मान्यता गलत नहीं हुई ना भैया, फिर भी विरोध का भाव आता है, फिर भी चिड़चिड़ होती है कि बाबा सुनते क्यों नहीं है ऐसा। तो ऐसे मतलब ऐसी परिस्थितियां कई बार आती है तो फिर ऐसे वक्त किस तरह से मान्यताओं को फिर से एनालाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से ऐसी रोजमर्रा की सिचुएशंस को हैंडल करने। मैंने एग्जांपल दिया भैया पानी का, लेकिन ऐसे कई बार ही हो सकता है कि जी जी मैं समझ गया आपकी बात, मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये एक टिपिकल एग्जांपल है। तो देखिए एक मान्यता तो ये है कि पानी का ऑप्टिमम यूज करना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट एक दूसरी मान्यता भी है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, वो ये है कि मेरे कहने से अगले को मेरी बात मान लेनी चाहिए और मेरे समझाने से अगले को समझ जाना चाहिए। ये मान्यता जो हमने बनाई इससे हम दुखी हो रहे हैं। हाँ वो तो सही है, एकदम सही है भैया, कि मैं मतलब शायद ऐसा सोचती हूँ कि मैंने बोला तो वो क्योंकि मैं सही बोल रही हूँ तो सामने वाले ने मानना चाहिए, ये भी सही है। हाँ ये हमारी जो मान्यता है कि हमने जो प्रयास किया उससे अगले को बात समझ में आ जानी चाहिए, ये मेरी मान्यता है। सही है, तो हम एक मान्यता को तो देख पा रहे हैं कि हाँ भाई पानी का ऑप्टिमम यूज करना चाहिए और मान्यता ठीक भी हो सकती है, ठीक है। बट जो दूसरी एक मान्यता है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे समझा देने से अगले को समझ जाना चाहिए, इस मान्यता को हम नहीं देख पा रहे। और ये मान्यता आप पाएंगे कि ऐसे कई प्रकरणों में काम कर रहा होगा, है ना। मैंने समझाया सुबह उठना चाहिए तो अगले को उठना चाहिए, मैंने समझाया कि थाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए तो नहीं छोड़ना चाहिए, मैंने समझाया कि लाइट ऑफ कर देना चाहिए नहीं कमरे में तो नहीं करना चाहिए, मैंने समझाया कि जब बाहर जाओ दरवाजा लगा के जाओ, अगला नहीं लगा रहा तो उसको ऐसा नहीं करना। अब ये एक जो मान्यता हमने बनाई है ना, अब ये रूल कर रहा है इन सारे घटनाओं में। अब परिवार में पाएंगे कि 100 घटनाएं रोज हो रही हैं, हम 100 बार दुखी हो रहे हैं इसको देख देख कर। सही है,
तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है भैया? ये मान नहीं मानना तो सोल्यूशन होगा, सही है कि चलो मानो नहीं कि जो तुम बोलो वही लोगों ने करना चाहिए, ये हम नहीं भी मान के चले तो भी फिर इसका ये मतलब इन चीजों ने हमने क्या करना चाहिए मान के फिर इन चीजों की वजह से। सॉरी हम बोलिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, थोड़ा समय कम बचा है इसलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। सोल्यूशन है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, डायलॉग करें, है ना। तो अगला व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है, जैसे आप उसे पूछें कि भाई पानी वेस्ट हो रहा है, आपको दिख भी रहा है, तो फिर क्यों होने दे रहे हो? वो देखिए दो चार कारण बताएगा आपको, पानी की पड़ी है ना, ये देखिए भारत में लाखों करोड़ रुपए का गबन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं रहा, और ये मैं चार बूंद पानी वेस्ट कर रहा हूँ उसके लिए इतनी बातें हो रही है, क्या होता है? तो उसके अंदर भी कई मान्यताएं बनी हुई है। सही है। तो जब तक हम डायलॉग नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते, जैसा भी देखिए ना सुबह के सत्र में हम लोग इतना डायलॉग कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक एक करके क्लैरिटी बन रही है हमारे अंदर। अगले को अगर ये अवसर नहीं मिला तो कैसे क्लैरिटी बनेगी? नहीं बनेगी। सही है जी। भैया यही होता है जब आपसे बात करके डाउट्स क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं तब तो ये बिल्कुल समझ में आ गया ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन जब इसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरह से हो नहीं पाता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं विरोध का भाव आते रहता है कहीं ना कहीं। हाँ ये जरूर है कि वो विरोध का भाव जल्दी कम हो जा रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन विरोध का भाव नहीं आए ये नहीं हो रहा है भैया जी। तो ये भी हमने मान लिया है, ये भी हमने मान लिया है कि इतने प्रयास से विरोध का भाव चला जाना चाहिए कि नहीं? नहीं भैया, वर्कशॉप कर लिया, मीटिंग अटेंड कर लिया, तो हमारे में परिमार्जन हो जाना चाहिए, ये हमने मान लिया है। नहीं नहीं नहीं, एकदम वैसे उसी उसी चीजों से नहीं माना है, प्रयास कर रहे हैं तो नहीं होना, मतलब ये कम हो जाना चाहिए ऐसा मान रही हूँ, लेकिन शायद और अभी जरूरी है और प्रयास जरूरी है इसका मतलब। जी जी बढ़िया जी, धन्यवाद भैया आज की चर्चा के साथ मैं भी अपनी काफी सारी मान्यताओं को भी देख पाई और मेरा देखना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम कल बात करेंगे ही। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद जिन्होंने अपने क्वेश्चंस और शेयरिंग से इस सेशन में चर्चा बनाए रखी, तो सभी का धन्यवाद। स्टूडेंट वर्कशॉप के लिए वॉलंटियर्स की जरूरत है, तो उसमें एक यहाँ पे लिंक शेयर किया गया है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं, और यदि आप वॉलंटियर करने की स्थिति में हैं तो हम लोग उसमें वॉलंटियर करने के लिए अपना नाम भी दे सकते हैं।